है, पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ न्यूज़ में कंटिन्यू प्रोसेस में पेपर लीक होने का न्यूज़ आ रहा है। अब ये कहीं ना कहीं अच्छी न्यूज़ नहीं है। जब मैं ये न्यूज़ देखता हूँ ना तो मुझे बड़ा अफसोस सा फील खुद होता है। एक स्टूडेंट वो होता है जो दिन रात मेहनत करता है, मतलब इतना एफर्ट डालता है, ऑनलाइन कोचिंग मैं सजेस्ट करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेहनत करता है, स्टेप बाय स्टेप ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, और उसी पेपर को एक दलाल जो है आकर के लीक करवाता है। और वो स्टूडेंट जो कभी डिजर्व ही नहीं करता था, जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि निकम्मा है, किसी काम लायक नहीं है, वो उस ऑफिसर की पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाता है या उस गवर्नमेंट सर्विस में चला जाता है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो यूपीएसआई का जो है पेपर लीक हुआ है। यूपीएसआई का पेपर में ऑब्वियसली स्टूडेंट अभी भी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं, और ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और पेपर लीक हुआ है, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, और पता नहीं कैसे लीक हुआ, बहुत सारे मीम बन रहे हैं, लेकिन मीम से मैं खुश नहीं हूँ कि मैं मीम बन गया तो बहुत बड़ी बात है। अब ये चीज़ें ऐसा क्यों होना हो रहा है? देखो, जो एजुकेशन माफिया है ना, वो स्टार्टिंग से इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं कि वो पहली बार इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट है ना, उसको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इस चीज़ों को लेकर के, कानून कायदे और स्ट्रिक्ट बनाने पड़ेंगे। क्योंकि पेपर लीक ना बहुत पहले से होता है, बहुत सारे लोगों को आप देखोगे इतनी मेहनत करके हम लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं इतनी मेहनत करते हैं ना, उनकी इतना पोटेंशियल होता है कि वो 90-95% स्कोर कर जाते हैं, लेकिन पता चलता है अरे यार उनकी तो सीट ही नहीं आई, उनको उनको वो तो क्वालिफाई ही नहीं किए। वो बंदा जो 50 से 60 के बीच में रहता है वो बंदा सेलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह की धांधलीबाजी कहीं ना कहीं ना स्टूडेंट का जो मोराल है वो डाउन करती है, स्टूडेंट का जो मोटिवेशन है वो डाउन करती है, और ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सारी चीज़ों को आपको माइंडसेट से हटाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों पर काम करना बंद करना पड़ेगा। जब तक आप ये सारी चीज़ों को हटाओगे नहीं, ये सारी चीज़ों को साइड में नहीं रखोगे, ये सारी चीज़ें हटेंगी नहीं, तब तक आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी गवर्नमेंट है, स्टूडेंट हैं, आप अपने मेहनत पर भरोसा रखो। जो नकल करके पास हुए ना, वो कल भी बेईमान थे और आज भी बेईमान है और हमेशा रहेंगे। नकल करके पास होना इज नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि ना वो देश चला सकते हैं, ना वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, और वही लोग करप्ट बनते हैं। होता क्या, जैसे मान लो सपोज कोई ऑफिसर है, नकल करके पैसा देके डोनेशन पे घूस पे आया सिस्टम में, सिस्टम में फिर वो पैसा खाएगा, फिर उसके जैसे कई सारे आएंगे, वो चैन बनता चला जाएगा, और इससे जो मेधावी स्टूडेंट है, जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, उनके करियर पर इंपैक्ट पड़ता है, वो स्ट्रगल करते हैं। आप सोचो, एक लड़का है, कई लोगों से मैं मिलता रहता हूँ दिल्ली में, आप देखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में गांधीनगर है, वहां पे जीटीबी नगर, वहां पे लोग तैयारी करते हैं, बाल तक उड़ गए सर के, इतनी प्रिपरेशन किया, इतने 8-8 साल 10-10 साल से आईएएस पीसीएस की तैयारी में लगे हुए हैं और सारी चीजों को प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस तरह की जो पेपर लीक वाली न्यूज है वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है, इससे स्टूडेंट का फ्यूचर खराब होता है। और मैं 100% स्टूडेंट के सपोर्ट में हूँ कि ये पेपर का जो लीक हुआ है, दोनों पेपर यूपीएसआई और बीपीएससी का ना, इसका सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, सिस्टम में पूरी तरह से जो माफिया है उनको जेल होनी चाहिए, क्योंकि ये माफिया लोग जो है ना सिस्टम को ही करप्ट कर रहे हैं। सिस्टम में अंदर अंदर अब सिस्टम में भी कोई मिला होगा, ऐसा नहीं है कि सिस्टम में नहीं कोई, जब तक कोई सिस्टम में इनसे सेटिंग नहीं होगी, सिस्टम में कोई मिला नहीं होगा, तब तक जाकर के इन इन सब चीजों का खुलासा नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियसली इनकी जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे थे उनको क्वालिफाई किया जाए, जो स्टूडेंट नहीं कर रहे थे उनको हटाया जाए। और ये मेरे हिसाब से बड़ी दुखद न्यूज है, एक स्टूडेंट जो दिन रात मेहनत करके तैयारी करता है और जब रिजल्ट का वेट करता है और इस तरह की न्यूज सुनता है, तो ऑब्वियसली उसके लिए बड़ा टफ होता है। ये सब जब आते हैं और चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी फील होती हैं, तो क्या कर सकते हैं, बस अगर आप लोग स्टूडेंट को सपोर्ट करते हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करो और वीडियो को शेयर भी करो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लो, कहीं पे भी लगाओ, ताकि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक, किसी गवर्नमेंट अधिकारी अफसर लोगों तक पहुंच सके, ताकि उनको भी समझ में आए कि सिस्टम में कितना करप्शन है। तो बस वीडियो में इतना ही, जो लोग टेलीग्राम पे कर रहे चैनल टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।